अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां बच्चों से भारी रकम फीस वसूलने के बाद भी निजी स्कूल संचालक उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। जिला प्रशासन ने स्कूल संचालकों की बैठक लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन स्थिति नहीं बदली, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने यातायात डीएसपी मनोज शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर जिले भर में स्कूल संचालकों की बसों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कंट्रोल रूम में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 85 स्कूल वाहनों की जांच की गई है, जिनमें अग्निशामक यंत्र, फास्टेड बॉक्स और सीसीटीवी कैमरे नदारद मिले हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। की जा रही कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम लोगों ने लगातार स्कूल बसेस पे और वैन पे कार्रवाई का अभियान प्रारंभ कर रखा है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पूरी टीम लगातार, आपने देखा कि 15-20 दिन पहले हम लोगों ने मार्टन स्कूल पे पूरे जिले से जितने भी स्कूल बसेज हैं उनको बुलाया, उनके ड्राइवर कंडक्टर को बुलाया, उनका आई टेस्ट कराया गया, उनका करेक्टर वेरिफिकेशन कराया गया, उनके गाड़ी में स्पीड मीटर है, उनकी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर है, ये सब बेसिक चीजें पूरी चेक कराई गई। इसके साथ साथ जो सेकेंड पार्ट है इसका, वो है विभिन्न प्रकार की मैजिक मारुति वैन इत्यादि में पेरेंट द्वारा बच्चों को स्कूल भेजना। उस क्रम में हम लोगों ने जो कल से लगातार चेकिंग अभियान चलाया, इसके पूर्व में भी हमने अभियान चलाया था और उन लोगों को चेतावनी देकर समझाइश देकर छोड़ा था, परंतु हमको लगा कि ये विषय काफी संवेदनशील है, बच्चों के जीवन से जुड़ा विषय है, इसमें कोई प्रकार किसी प्रकार की हम लोग ढील नहीं देना चाहते। तो हम लोगों ने कल से सख्त रुख अपनाया है और प्रत्येक गाड़ी को रोक के चेक करके उसमें जो कमियां पाई जा रही हैं उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कल से अभी तक हम लोगों ने 83 वाहन चेक किए हैं विभिन्न प्रकार के, ये हमारा अभियान जारी रहेगा। कल हमारी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक है, उसमें भी हम इस मुद्दे को रख के इस पर अन्य कार्रवाइयां और हम लोग कैसे करें उस पर भी हम लोग आगे विचार कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन का रोल, जैसा कि आपको मैंने बताया, पहला पार्ट तो बसेज वाला है, उनको बुला के पूरी चेकिंग की गई, करेक्शन किए गए, स्कूल प्रबंधन ने सहयोग किया तो हम लोगों ने उनको आगे बढ़ के पॉइंट्स बताए और उनको बताया कि आगे से और ध्यान रखें। परंतु ये जो मैटर है मैजिक और जो गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें कि पेरेंट्स खुद अपना ग्रुप बना के उनको रखते हैं, उनके लिए स्कूल प्रबंधन को अपन ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह जिम्मेदार वो नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये कोई विषय नहीं है कि हमारे स्कूल के बाहर बच्चों को छोड़ गए, हम इसके अंदर जिम्मेदार हैं, बाहर जिम्मेदार नहीं है। और पेरेंट्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे वहां तक पहुंच गए अब स्कूल जिम्मेदार है। तो हम लोग ये प्लान कल की मीटिंग में रख रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं कि स्कूलों में पेरेंट टीचर मीट होती है, उस पेरेंट टीचर मीट में हमारे ट्रैफिक के जो भी हमारे प्रभारी हैं और आरटीओ हैं हमारे और शिक्षा विभाग से, तीनों से एक एक व्यक्ति जाए और उस मुद्दे को रखें पेरेंट टीचर मीटिंग में कि भाई जो बच्चों की कैपेसिटी गाड़ी में अगर 8 है तो उसमें 8 की जगह 15 बच्चे नहीं बैठने चाहिए, इस विषय पे सबको मिलकर काम करना होगा। तो ये हमारा कल का प्रमुख विषय रहेगा।